Hello student, let me discuss about transistor. इसमें ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसमें डीप नॉलेज नहीं होती. ये जब आगे मैकेनिक्स आईआईटी में करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये पूरे ये किसके ऊपर क्या होती है पूरा, इसकी बहुत सारी क्लासेस लेते हैं, पर हमारे सिलेबस में इसको बहुत थोड़ा दिया गया है. इसमें क्या क्या है कि ओनली लर्निंग पार्ट इसमें है, ये बहुत बड़ा नहीं है. ये इसकी क्या होती है, एक ही क्लास होती है. और इसमें क्या होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है. दो टाइप, दो पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर घुसा देते हैं तो वो क्या होता है, पीएनपी. और दो एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक पी टाइप रहते हैं, वो पी एनपीएन. ओके, तो ये इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास, मान लिया हमने क्या ले लिया, दो पी टाइप सेमीकंडक्टर. अगर हम इसमें एक एन टाइप, मतलब ये क्या है, हमारे पास दो ब्रेड है, उसमें हमने एक आलू की गिरा दी, तो ये क्या बन गया हमारे पास, पीएनपी ट्रांजिस्टर. तो क्या हो गया, व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, दैट इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर. ओके, और इसमें क्या होगा, एन पी और एन. तो व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, दैट इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर. ओके, तो अगर हम लिखें व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसका हमारे जो बेसिक लाइफ है उसमें कोई भी इसका यूज नहीं होता. इसका यूज होता है एम्पलीफायर, ऑसिलेशन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका यूज किया जाता है. एम्पलीफायर क्या होता है कि माइक, मान लो एक माइक है और साउंड सिस्टम है, तो माइक से लेकर साउंड सिस्टम के बीच में ये लगाया जाता है एम्पलीफायर. जैसे ही हम बोलते हैं तो यह क्या करता है, साउंड को क्या करता है, कंज्यूम करता है, और उसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, उसको एनर्जी देता है, और क्या करता है, एनर्जी देके क्या करता है, साउंड सिस्टम तो वापिस पहुंचाता है, उसको एम्पलीफाई करने का एक काम करता है कि वो तेज आवाज में उसको चेंज करता है, सिंपल वॉल्यूम को तेज वॉल्यूम में चेंज करके. तो इसके क्या होता है, ये माइक और जो हमारे पास साउंड सिस्टम उनके बीच में लगाता है, जब भी हम बोलते हैं तो उसमें क्या होती है, ये साउंड को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, उसको एनर्जी देता है और साउंड सिस्टम तक पहुंचाता है. टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए एम्पलीफायर का क्या होता है, यूज होते हैं. पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच इन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर. कहते हैं हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर. व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच इन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर. क्या होता है हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर. इसको बी को क्या बोलते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर. इसका जो साइज होता है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज द मॉडरेट साइज, थिन एंड थिक. ये क्या होता है, हाईली डोप्ड होता है, हैवली डोप्ड होता है. ये क्या होता है, लाइटली डोप्ड. ये क्या होता है हमारे पास, मॉडरेट डोप. ओके, तो ये क्या होते हैं हमारे पास, एमिटर, बेस और कलेक्टर. ओके, तो देन आई डोंट, इनके अगर हम सिंबल देखें, जिस भी एरो पे, जिस भी लाइन पे क्या हो, जिस भी लाइन पे क्या हो, एरो लगाई हो, वो क्या करता है, एमिटर. ये क्या हमारे पास, पी एन पी. जिस लाइन पे एरो लगा हो, जिस वायर पे एरो हो, वो क्या होते हैं हमारे पास, एमिटर, ये बेस और दैट इज द कलेक्टर. ये क्या है हमारे पास, पी एन पी ट्रांजिस्टर. ओके, अगर हम एनपीएन का देखें,
ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है बाहर की तरफ एरो दिखाया जाता है, ये क्या होता है हमारे पास एमिटर बेस एंड कलेक्टर, ओके दैट इज द सिंबल ऑफ PNPN, ओके तो ये क्या हमारे पास सिंपल सिंबल है किसके, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसमें एरो दिखाई जाती है, एरो रिप्रेजेंट दैट एमिटर, एरो रिप्रेजेंट द एमिटर, एरो क्या करती है मीटर को रिप्रेजेंट करती है, ओके देन राइट हो, हमारे पास होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इन पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें क्या होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि बेस जो हमारे पास एन क्या होता है उसमें बेस माना जाता है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक होता है कॉमन एमिटर बेस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इन पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें बेस को क्या होता है कॉमन माना जाता है, और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मान लीजिए हमारे पास क्या है, तो इसमें ये क्या हो गया हमारे पास बेस, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनको बैटरीज के साथ जोड़ के पूरा पूरा सर्किट या ये पूरा डायग्राम बनाना, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इन तीनों वायर को बैटरीज के साथ कनेक्ट करना, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन, इस पूरे सिंबल को क्या कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या हमारे पास कलेक्टर वायर है, इसको एक हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ क्या किया जाता है कनेक्ट किया जाता है, इसको बड़ी दिखा दिया मतलब कि क्या है बहुत हाई वोल्टेज है, इसको बहुत सारी ये दिखा दिए गए हैं, तो दैट इज द बड़ी बैटरी है मतलब हाई वोल्टेज बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है, ये मीटर वायर है, और इसको क्या किया जाता है एमिटर और कलेक्टर की बेस के साथ वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो ये क्या हो गया हमारे पास वीई वीसी, यहां से क्या जाएगा आईसी करंट जाएगा, और यहां से क्या होगा आई, और आईसी और आई को मिला के क्या बनता है हमारे पास है आईबी, सॉरी आई में से करंट गया वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया किसमें आईबी और आईसी में, ओके ये क्या है हमारे पास पी एन पी, ये क्या है बेस एमिटर एंड कलेक्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें क्या होती है छह सात बातें देखी जाती हैं कि वे कौन सी होती है, पहला रिलेशन तो क्या होता है आईई होता है हमारे पास आईबी प्लस आईसी, क्या होता है आईसी प्लस आईबी, दैट इज द फर्स्ट रिलेशन, जो आई जो हमारे पास एमिटर की बैटरी में से जो करंट निकलता है वो क्या होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है आईबी और आई, इस पूरे सर्किट को क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, ये हमारे पास होती है इनपुट सिग्नल, यहाँ पे हम क्या डालते हैं इनपुट डालते हैं, यहाँ क्या मिलती है हमें आउटपुट, ये तो हमारे पास आउटपुट सिग्नल, ये फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पे क्या है रिवर्स बायस, दैट इज द फॉरवर्ड बायस, दैट इज रिवर्स बायस, बिकॉज इसमें क्या होता है पॉजिटिव पार्ट को किससे जोड़ा गया है एन से, और नेगेटिव पार्ट को किससे कलेक्टर से, तो एन से क्या होगा पॉजिटिव पार्ट दैट इज द रिवर्स बायस, इसमें पॉजिटिव पार्ट को पी से और नेगेटिव पार्ट को एन से, तो दैट इज द फॉरवर्ड बायस, ये फर्स्ट रिलेशन ही हो गया हमारे पास, अगर हम देखें वी किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम सॉरी रेजिस्टेंस निकालें इनपुट रेजिस्टेंस, वो क्या होगा हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास वीई डिवाइड बाय में आई, और ये क्या है हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस, आई क्या है हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बीसी डिवाइड बाय में आईसी, दैट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस, ओके एक होता है करंट गेन डीसी करंट गेन, डीसी करंट गेन, डीसी करंट गेन यानी अल्फा डीसी, ये क्या होता है हमारे पास आईसी
आई से डिवाइड बाय में आई कलेक्टर करंट डिवाइड बाय में एमीटर करंट. एक होता है एसी करंट गेन अल्फा एसी. ये हमारे पास क्या था, चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइड बाय चेंज इन एमीटर करंट, दैट इज द एसी करंट गेन. अगला हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस गेन. अगर रेजिस्टेंस गेन देखें तो वो क्या आता है, इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस. ये क्या हो गया हमारे पास, आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस. एक होता है हमारे पास वोल्टेज गेन. सेवन क्या हो गया हमारे पास है, वोल्टेज गेन क्या होता है हमारे पास, वोल्टेज गेन होता है डेल्टा वी सी डिवाइड बाय में डेल्टा वी. यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से क्या देगा वी सी, तो आर नोट इंटू आई सी डिवाइड बाय में आर आई इंटू आई ई. ये क्या हो जाता है हमारे पास है डेल्टा आई सी, दैट इज द वोल्टेज गेन. ओके, तो हमने देखा कि जो हमारे पास सबसे पहले की थे इनको लर्न आउट करना है. आई इक्वल टू क्या होता है, आई बी प्लस आई सी. एमीटर करंट किस में, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, आई बी प्लस आई सी. रेजिस्टेंस गेन क्या, इनपुट रेजिस्टेंस वीई डिवाइड बाय में आई. आउटपुट रेजिस्टेंस वी सी डिवाइड बाय में आई सी. डीसी करंट गेन क्या होता है, अल्फा डीसी. आई सी डिवाइड बाय में आई. एसी करंट गेन क्या होता है, आई सी डिवाइड बाय में डेल्टा आई सी डिवाइड बाय में आई. रेजिस्टेंस गेन आर ओ डिवाइड बाय आर आई, इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस. वोल्टेज गेन डेल्टा बी सी डिवाइड बाय में डेल्टा बी वीई. और इसको क्या लिख सकते हैं, आर नोट इंटू डेल्टा आई सी आर आई इंटू डेल्टा ई. एक हमारे पास होता है पावर गेन. पावर गेन क्या होता है, वी इंटू आई. अगर हम पावर गेन देखें, एट पावर गेन क्या होता है हमारे पास, वी इंटू आई. आउटपुट पावर डिवाइड में इसको क्या लिख सकते हैं, ये होता है हमारे पास आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर. पावर क्या होता है, वी इंटू आई. तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आउटपुट क्या थी हमारे पास, डेल्टा आई सी इंटू वी सी. डेल्टा आई सी इंटू डेल्टा वी सी डिवाइड बाय में इनपुट डेल्टा आई इंटू डेल्टा वी, दैट इज द पावर गेन. तो ये एट बातें हैं जो कि याद करनी है इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इन पीएनपी ट्रांजिस्टर. आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी. अगली बात, इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, वीई डिवाइड बाय में आई. आउटपुट रेजिस्टेंस वी सी डिवाइड बाय में आई सी. डीसी करंट गेन क्या हो जाता है हमारे पास, आई सी डिवाइड बाय में आई. और एसी करंट गेन क्या हो जाता है, डेल्टा आई आई सी डिवाइड बाय में आई. फिर होता है हमारे पास क्या, रेजिस्टेंस गेन. रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर नो डिवाइड बाय में आर आई. वोल्टेज गेन डेल्टा बी सी डिवाइड बाय डेल्टा बी. और पावर गेन क्या हो जाएगी, आउटपुट पावर डिवाइड बाय में इनपुट पावर. ओके, तो देन राइट डाउन. कॉमन एमीटर इन एनपीएन ट्रांजिस्टर.
दैट इज द मीटर। तो बेस क्या हो गया, जो कॉमन बेस क्या हो गया मेरे पास, एमीटर। ओके तो यहां से क्या होगा, ये पी एन पी, कॉमन एमीटर इन पी एन पी ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। पी एन एन ओके, तो ये क्या देगा मेरे पास, बीबी बीबी, इसमें से करंट क्या देगा आईबी, इसमें से करंट क्या निकलेगा मेरे पास आईई, यहां से आईसी। ओके दैट इज द करंट ऑफ आईसी। ओके बेस एमीटर एंड कलेक्टर, ये हमारे पास क्या होता है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें भी क्या होता है, आईई क्या डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, आई ये क्या हो गया इधर गया आईसी और इधर क्या आईबी। तो हमारे पास आईई क्या हो जाएगा, फर्स्ट अगर देखें आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई बी प्लस आई सी, इनपुट इनपुट पावर इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल। दूसरा आर आई क्या आ जाएगा, इनपुट हमारे पास बी बी डिवाइड बाय में आई बी। तीसरा आर ओ क्या आ जाएगा हमारे पास, बी सी डिवाइड बाय में आई सी। फोर्थ डी सी करंट गेन बीटा डीसी, दैट इज द आईसी डिवाइड बाय में आई बी। फिफ्थ एसी करंट गेन बीटा एसी, डेल्टा आईसी डिवाइड बाय में डेल्टा आई बी होता है। सिक्स्थ क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस गेन होता है, एक रेजिस्टेंस गेन क्या आ जाएगा, आर ओ डिवाइड बाय में आर आई, आर ओ इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय में आउटपुट रेजिस्टेंस। सेवेंथ वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन क्या हो जाती है, डेल्टा बीसी डिवाइड बाय में डेल्टा बीबी, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा बीसी आर ओ इंटू डेल्टा आईसी डिवाइड बाय में आर आई इंटू डेल्टा आईबी। एक होता है हमारे पास पावर गेन, पावर गेन क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, यानी कि डेल्टा बीसी इंटू आईसी डिवाइड बाय डेल्टा बीबी इंटू आईबी। ओके ये क्या होगी हमारे पास पावर गेन, आउटपुट पावर डिवाइड बाय में इनपुट पावर। ओके एक हमारे पास क्या होता है, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, अगर हम पीछे देखा था अल्फा इक्वल टू क्या था, आईसी डिवाइड बाय में आई, बीटा इक्वल टू क्या है आईसी डिवाइड बाय में आई बी, और एक आई इक्वल टू क्या है हमारे पास आईसी प्लस आई बी। इन तीनों से मिलके एक रिलेशन निकल के आता है, दैट इज द बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस वन माइनस अल्फा। ये रिलेशन दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन, इसके बेस पे क्या आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, इसको अभी प्रूव किया जा सकता है। देन लेट्स डू, फर्स्टली देन राइट डाउन अल्फा इक्वल टू क्या था आईसी डिवाइड बाय में आई, और बीटा इक्वल टू क्या था आईसी आईसी डिवाइड बाय में आई बी।
यहाँ पे देखें आई सी क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा इंटू आई, और इसमें आई सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा इंटू आई भी, दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। अल्फा आई इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, बीटा आई बी, दैट इज द अल्फा इक्वल टू बीटा आई बी, और आई ई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आई सी प्लस आई बी। आई ई की वैल्यू, आई सी की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं हम, आई ई इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई बी की वैल्यू यहां से निकल आएगी, कितनी आ जाएगी, आई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, अल्फा आई ई डिवाइड बाय में बीटा, तो अल्फा आई ई डिवाइड बाय में बीटा, ये आ गई हमारे पास। अगर कॉमन लेंगे तो वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा बाय में बीटा, तो ये क्या देगा, बीटा इक्वल टू क्या, अगर अल्फा बाय बीटा इक्वल टू क्या आ गया, वन माइनस अल्फा, क्या गया हमारे पास, वन बाय अल्फा, तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इससे बीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास अल्फा डिवाइड बाय वन माइनस अल्फा, दैट इज द प्रूफ। ओके तो देन राइट एंड दिस रिलेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आठ एक की बात है, आठ एक की दोनों सारी क्या होगी, सोलह एक गया सत्रह, तो इसमें क्या होगी, इन सेवनटीन फॉर्मूले के बेस पे ही क्या आते हैं इसमें क्वेश्चन, तो माइनस लेवल में इतना ही था ट्रांजिस्टर। ओके तो देन राइट एंड कंप्लीट ट्रांजिस्टर।